9 साल उम्र है मेरी, और सर मेरा नाम जीवन कुमार है जी सर। मैं सर बचपन तो 5 साल का, 5 साल का मैं रह रहा। मेरे बच्चे इत्थे होए, इत्थे शादीशुदा, इत्थे मेरे माँ बाप, मेरे को प्रूफ है जी। और जो जिस समय दी मीटर लगा, जेड़ा मालक होवे सर की गल, बत्ती च रहेगा कि नेरे च रहेगा? लाइट च रहेगा। उन्होंने कहा बस एक प्रूफ दिखा दे, तेरे को मीटर का बिल है। मैं दिखा सकता मीटर का बिल, मीटर का बिल तो इत्थे होना मैं। और उन्हें 3 बारी साढ़े ते हमला किया। हाँ सर, अखबार से आया, देखो एफ आर आई है साढ़े को। फिर चलो मैं बोल नहीं सकता, मेरे को बोले नहीं सकता सर, गंदी गाल करता की दसा। और जिस इंसान का ना लै रहा कमल बोरी का, वो देवता बंदा साड़ी टिका, उन्हें कुछ नहीं किया। उपर वाला देखता, मैं मौत के मुँह च बैठा, मैं मौत के मुँह च बैठ के झूठ नहीं बोला। उन्हें आके कोई गल नहीं की, उन्होंने सिर्फ यही किया गया कि बाबू जी टाइम दे दो थोड़ा, खाली कर देंगे। और मुंडा आया 2-3 बारी 2015 च बदमाश लैके, उन्हें गोलियां चलाइया इत्थे घर, असी पिछे रहते हैं। फिर भी उदो असी बाबू जी करते, असी इन्ने अमीर नहीं हाँ, गरीब बंदे हाँ, दिहाड़ी तप्पे वाले बाजी है, बच्चे प्राइवेट हूँ जवान हो, ब्याह नौवा वाला, मैं नौवा पुता, मेरिया दो नौवा दो पुत है, मेरे 6 मामला दर्ज किया। मैनू 1 अप्रैल की, मैं 10 तरीक न मेरे सट लगी, और मेरे लत भी मार गए, मैं पे भी नहीं बोल। साडा बाथरूम भी एक बार 2015 तोड़ के गया विशेष का प्यो, असि सर मंग करते गरीब बंदे आ, साढ़े तो झूठा प्रचार तभी हो गया। अगर वो कोई प्रूफ है तो सू शो कर दे कि ठीक है भाई मार आओ, तो जा कमल बोरी नहीं कोई आते, कुछ नहीं उन्हें उन्हें कोई करो। कोई गल नहीं, गलत किसी से इल्जाम लाया वो असी नहीं मानते, असी मर मरन वाले, असी की गरीब बंद ने मारना कहना, तो खुद रब ने मारिया, असी की मारना किसी ने। बस सुनीता इतने की मसला यह है कि सू आके तंग करता पे विशेष डैडी, उन्हें आके सू तंग किया, तंग किया कि आके गाली गलोच कर रहे, किस वजह करके कि सू मकान मिला करो। जगह काफी है। 8 जने की तरह लगी। पुलिस वाले आए भी देख के गए, जे ऐसा कोई मामला होया हुंदा ते उन्हां नूं दस्सदे कि मैनूं इदां करके इन्हां ने मारिया जां कुट्टिया जां कुछ भी। उन्होंने जो देखा नहीं कुछ भी, उन्होंने वह भी इस तरह चले गए, तो बाऊ भी चले गए, तो बोरी भी चला गया वा, कोई गल नहीं हुई। तो आख परसों की गल है, पता नहीं हाँ रात की गल है, तो रात इन्होंने पता लगा 11 बजे के परचा हो। मेरे 2 बेटे तो मेरा हसबैंड, इन्हों पैरा लै जाए मंग ही करते, अं तो रोज़ के कमा के खाने वाले बेटे मेरे अपना दुकाना लगे हुए हैं,
अच्छा पंजी लास्ट मेरा सवाल है। हां जी लगदा नहीं के जे इस तरह कब्जे जो असि कर लेने आ कितना कितने जड़ी जगह हैगी आ ओदे उत्ते भी ओ भी कितना कितने छड़ाण दी कोशिश करदा जिस साडी जगह होवे साडी जगह ते कब्जा होया होवे तां आपा छड़ाण दी कोशिश करिए ते असि गलत हो वाई संजो कब्जा ते कब्जा है ना इस गी चीज नु मानदे असि की हाँ जी मानने हैं माल पर वो मालिक ही नहीं है का, को कोई कागज नहीं है कोई रजिस्ट्री नहीं है कुछ नहीं है नहीं वो मालिक ही नहीं है जी मालिक ही नहीं है मालिक नहीं है उन्हें केस इन्हें दर्ज किसी है नाम जी वरुण सरीन है मैं सदर बाजार का ही वसनीक हाँ पिछे जे पता लगा होना तुहानू मीडिया का माध्यम ना भी कि एक कमल कुमार दे परचा होया एफ आई आर कमल कुमार कौन कमल कुमार बोरी जिहड़ा ग्वाल मंडी का वसनीक है और ते कोई एफ आई आर दर्ज हुई है विनोद समरे वालों कि मेरे नाम मारकुट की बन के ते अठ लोगों का हो मुंडे बंद होर नाम पाया वो अठ लोग इतों के वसनीक ने यह मैं तुम्हें दसदा ये कोई झगड़ा नहीं होया ये बड़ा वड्डा एक षडयंत्र रचा जा रहा वा वह षडयंत्र भी तुम्हें दसदा ये प्रॉपर्टी की है पौने तीन किले च एक थां वा डीओ लैंड जिदा कि कोई वाली वारस नहीं गा इस टाइम तो समरे हरा ने इतने अपना कब्जा दावा पेश किया कब्जे का जबकि दो बार कोर्ट केस चो थर्ड पार्टी हो चुके ने उदे भी साढ़े को प्रूफ है ने इन्होंने अगे भी इतने आगे लोगों धमकया बाद चो माफ़ियां मंगिया वो माफ़ीनामा भी साढ़े को हैगा वा अगे भी इन्होंने परचे कराने की कोशिश की वो प्रेस नोट भी साढ़े को है हूँ भी उदन की होया उदन कोई झगड़ा नहीं होया कोई कुछ नहीं आया वो इन्हों थ्रैड कर दिया कि इतों निकलो ता कि तुहानू मैं दसदा कैंट बोर्ड समरा विनोद समरा ए ता क्योंकि ये बहुत जल्द कैंट बोर्ड टुटन वाले ने जिहड़ी अज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की मैं तुहानू गल कर रहा जिदन कैंट बोर्ड टुट गए उदन ये 150 करोड़ की बन जानी है क्योंकि इहदियां रजिस्ट्रियां हो जाणियां उहनू इहदा लालच सतान दिया वा कि मैं जल्दी जल्दी इत्थों लो ये भाजी हैगी लखबीर सिंह हरा दे नाम ते डीओ लैंड हैगे इहनू ना कोई वेच सकदा ना कोई खरीद सकदा इहो इह परिवार कदों दे बैठे इह परिवार घट्टो घट 50-50 साल हो गए भाजी असीं इहनां दे हक च आए आ कमल बोरी जिहड़े आपां इहनां दे हक च जी आपां नूं उहनां नाल कोई मकसद नहीं उह जानन पुलिस जानन मैं सिर्फ इस हक च आया कि ए केस नू सही तरीके ना वेख्या जावे मामला दर्ज होया वा उसनू लगदा भई जायज वा इस मामले दे विच देखो जी जो मामला दर्ज होया इन्हां दे रिकॉर्डिंग देखो मौके ते मैं भी नहीं सीगा ठीक है ना इन्हां दे रिकॉर्डिंग क्योंकि ए मामला कमल कुमार बोरी दे तां हो रहा क्योंकि वो इन्हां दे पक्ष च आ गया ठीक है ना क्योंकि ये 100 करोड़ दी प्रॉपर्टी भाई थोड़ी नहीं हुंदी उहनां उत्ते कमल बोरी ते मामला जिहड़ा दर्ज होया तुहाडे सामने जायज मैं उहदे बारे कुछ कह भाई मैं वेखी नहीं लड़ाई इन्हां दे ते नजायज भाई इन्हां दे ते नजायज ही है ना तुसीं आप दसो ये पहले नंबर ते जीवन कुमार दा नाम पाया ते 6 महीने तो पैरालाइज आ वह किदां बंदा किसे नूं फड़ के अंदर लै जाऊगा ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕਮਲ ਬੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਈਏ ਕਮਲ ਬੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਜੀ ਕਮਲ ਬੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਸਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਇਆ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਬਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਵਾਸੀ 13 ਜੋਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਜੀ ਸਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੀਲਮਨੀ ਖੇਮਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨੀਲਮਨੀ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਹ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ 2001 ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਅੜਿਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉੱਧਰ ਬਾਕੀ ਬਛਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਡ ਹਾਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਧਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ
तीन पिस्तौल कट के तुसी मेरे बारे च पूछ लेना ते इन्हें उन्होंने सर ते बट मारे ते ड्यू टू शर्मो शर्मी फादर साहब वहाँ से फिर चुप चुपीते वापस आए बट इन्हों सर ते बहुत ज़्यादा पेन सी ते इन्होंने राति मैनू 2:30 बजे दसिया जब पेन बिल्कुल अनबेरेबल होगी कि आई वॉज हिट बाय दिस गाय बुरी तो मैं इनको रात को 3 बजे MRI करवाने लेके गया। उसमें पता लगा इनके ब्रेन में 25 से 30 cc खून ब्लीडिंग हुई है। तो उदे बाद मैं सवेरे 112 से भी कंप्लेंट की, पुलिस प्रशासन ने भेजी साड़ी दरखास्त लई। फिर उन्होंने कहा कि तुसी हुणे ते फादर मेरे उस दिन हॉस्पिटल चेकअप वगैरह सारी रिपोर्ट लैके गए सीगे डॉक्टर थम्मन कोल। ते उदे बाद इन्होंने सानू कहा कि तुसी रिटन कंप्लेंट थाना कंटोनमेंट से दे दो। तो मैं सर उस दिन ही थाना कंटोनमेंट से कंप्लेंट दे आया सीगा। बट एज यू नो जो इन्हों का सिस्टम हैगा, बट थोड़ी देर कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं CP साहब नू अप्रोच किया दोबारा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने कार्रवाई बड़े सीरियस नोट पर इस चीज़ नू लिया एंड इन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल डील किया, मेरे फादर साहब नू डील किया ते इन्हां खिलाफ कार्रवाई की। सर ये हैगे है, एक तो बोरी नाल 7-8 जाने बोरी नाल आए सीगे ते 7-8 जाने जिहड़े अंदर हैगे है। सारा मामला झूठा वा, प्रशासन से CM साहब से CP साहब से यही मंग है जिदा तुसी कार्रवाई करते पे हो यो जे बंदिया नाल जो कानूनी कार्रवाई बनती है सिर्फ वो ही कर रहे हो। ये टोटल हैगी है 12,000 गज जगह जिस ये 3400 गज के तकरीबन इन्होंने छोटे छोटे 20-20 गज 30-30 गज करके कब्जा किया। ये लकबीर नीलमणी जब सानू दे के गया सीगा ले ली सीगी ये खाली कर इतने खाली कर गई सी क्योंकि वो अलग जगह सीगी आप रेंदे वक्री जगह सी आप ध्यान उत्थे नहीं देंगे। खरीद तो बाद कब्जा होया, खरीद तो बाद होया जी। सर 50-60 साल उन्हां दी उम्र उन्नी है जिहड़ी वो इस चीज़ का सर वो सर प्रूफ करन ना उहदे लई कोर्ट बैठा है। बट आपां कोर्ट कोर्ट दी कार्रवाई कोर्ट च रहन दी है, आपां एक दूजे नूं हत्था पाई थोड़ा करिए।